नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान में लश्कर का आतंकवादी हबीबुल्लाह उर्फ भोला खान उर्फ खान बाबा मारा गया है। हबीबुल्लाह को खैबर पख्तूनख्वा के टांग शहर में कल शाम गोली मार दी गई। इस बार भी किसी अज्ञात बंदूकधारी हमलावर ने इस आतंकवादी को अपना निशाना बनाया है। हबीबुल्लाह लश्कर के लिए नए लड़ाकू की भर्ती करता था। उसकी मौत से लश्कर चीफ हाफिज सईद को बड़ा झटका लगा है। इस साल पाकिस्तान में लश्कर के 4 आतंकियों की हत्या की गई है, जिनमें से 3 आतंकी इसी दिसंबर महीने में ढेर किए गए। पाकिस्तान के आतंकियों के दिलों में अज्ञात बंदूकधारी का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सभी आतंकी संगठनों के आकाओं ने अपने प्रमुख आतंकियों को मस्जिदों में नमाज के लिए जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यही नहीं, निकाह पार्टी में भी आतंकियों के जाने पर रोक लगा दी गई है, ताकि भीड़ का फायदा उठाकर कोई हमलावर उन्हें निशाना न बना पाए। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 के हमारे सहयोगी अमित पांडे जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकी है उनके भीतर खौफ बढ़ता जा रहा है, एक और आतंकी मारा गया है, क्या और डिटेल्स? देखिए, टैंक इलाके के पास यह घटना हुई है और संडे की रात को यह घटना हुई है। और जैसे ही घटना हुई, स्थानीय पुलिस आई और उनके शरीर को, उस शख्स के शरीर को ले गई अस्पताल में, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। कुल मिलाकर पिछले 2 महीने में 6ठा ऐसा आतंकी है जो कि भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां संचालित करता है। पाकिस्तान की धरती पर स्थित है और उसकी इस परिस्थिति में हत्या हो चुकी है। तो अब जो लोग जो पाकिस्तान में रह रहे लोग भारत के खिलाफ जो रह रहे हैं, और पाकिस्तान को लगता है कि किसी काम के नहीं है, तो संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जो लगातार हत्या हो रही है या मौत हो रही है, एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार ऐसे लोगों के ऊपर हमला हो क्यों रहा है। और अमित, हम देख रहे हैं कि आतंकियों के लिए खास तौर पर वहाँ गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि आप मस्जिद में नमाज मत पढ़ने जाइए, आप किसी पार्टी के अंदर मत जाइए। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ ये आतंकी लगातार निशाना बन रहे हैं। जी बिल्कुल, न केवल ये गाइडलाइंस है बल्कि ये भी उनको कहा गया है कि वो जब भी अपना मूवमेंट करें तो स्थानीय पुलिस स्टेशन को बताकर करें, और इसके अलावा जो उन्हें सरकारी गार्ड पाकिस्तान की तरफ से मुहैया कराए गए हैं वो उनको हमेशा अपने साथ में ले चले। और इन सब चीजों का पालन हो रहा है, बावजूद इसके जब इनकी ये हत्या होती है तो यह बहुत बड़ा शक और सवाल खड़ा करता है आखिरकार वहां पर उनको कौन मार रहा है। बिल्कुल अमित, कई सवाल इसके बाद खड़े होते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इस साल कितने आतंकियों की हत्या की गई है। एक एक करके आप ये जानकारी देखिए और क्यों आतंकियों के बीच खौफ है। अब जब ये डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में इन आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। दिसंबर 2023 लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी बात हम कर रहे हैं। दिसंबर में ही लश्कर आतंकी अदनान अहमद की भी हत्या कर दी जाती है, अज्ञात बंदूकधारी हत्या करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के आतंकी बिलाल मुर्शीद की भी हत्या दिसंबर के महीने यानी इसी महीने में की गई है, नवंबर यानी पिछले महीने की बात करते हैं। लश्कर के आतंकी अकरम गाजी की हत्या कर दी गई, अक्टूबर में आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई, और इसी वजह से लगातार खौफ इन आतंकियों के बीच कायम है, क्योंकि एक एक करके इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सितंबर में लश्कर के रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की हत्या अज्ञात लोगों ने की, कौन इसके पीछे था इससे जुड़ी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई। फरवरी 2023 में हिजबुल्लाह के आतंकी बशीर अहमद पीर की हत्या कर दी गई, और यही वजह है कि आतंकियों के अंदर डर बैठा हुआ है। फरवरी 2023 में अलबद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की हत्या यहां पर कर दी गई। मार्च महीने की बात करते हैं तो वहां पर आतंकवादी सैयद नूर शालोबर की हत्या कर दी गई। एक एक करके आप देखिए, हर महीने में यहां कोई ना कोई आतंकी मारा जा रहा है, और यही वजह है कि जो पाकिस्तान में छिपे आतंकी हैं वो खुद को महफूज नहीं मान रहे हैं।